हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज का प्रैक्टिस मैं डेली बेसिस पे करा रही हूँ। आप डेली बेसिस मेरे साथ जुड़े रहिए। आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है अगर डेली बेसिस पर आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपना सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं। जैसा कि अभी वर्तमान में आपको बीपीएससी TRE3 का एग्जाम है एंड उसके बाद एमपी का एंड बहुत सारे एग्जाम्स, अभी जस्ट जो लोकसभा का चुनाव है इसके बाद सभी स्टेट में आएगा, तो आप बस तैयारी करते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, सभी एग्जाम्स में आपको कामयाब जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों, आपको डिटेल में सभी चीज़ें पढ़ना है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, सभी चीज़ों का थ्योरी सेशन डिटेल में दिया गया है और एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस भी प्रीवियस ईयर भी दिया गया है। TRE2 में मैंने 80 वीडियोज में सभी चैप्टर का अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया हुआ है और डेली बेसिस से मैं तो रोज करा ही रही हूँ। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप करके जाइएगा नहीं, तो अपना स्कोर चेक कीजिएगा। चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम महासचिव कौन बने? तो दोस्तों, जैसे कि IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना आधुनिक ओलंपिक के पितामह बैरन पीरडी कुबर्डिंग के द्वारा 23 जून 1894 में पेरिस के सर्वो नामक स्थान पर स्थापना किया गया एंड इसका मुख्यालय है IOC का लोसाने स्विट्जरलैंड। और प्रथम महासचिव बने थे बैरन पीरडी कुबर्डिन एंड प्रथम अध्यक्ष बने थे बाइकलास एंड वर्तमान अध्यक्ष हैं IOC के, इससे पहले थॉमस बाग थे बट वर्तमान में हैं एम्मा टेरहो। नेक्स्ट है, 2021 कौन सा ओलंपिक है? दोस्तों, 2020 टोक्यो ओलंपिक जो कोरोना के कारण, COVID-19 के कारण 2021 में संपन्न हुआ, तो 2021 जो है वो 32वां ओलंपिक था जिसमें भारत ने आज तक में सबसे ज़्यादा 7 पदक जीता है, जिसमें से एक स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा भाला फेंक में 87.58 मीटर थ्रो करके जीते हैं। रजत पदक में 2 रजत पदक जीते हैं मीराबाई चानू वेटलिफ्टर में, रवि कुमार दहिया कुश्ती में 57 kg भार वर्ग में। 4 कांस्य पदक में पहला है लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग में, पीवी सिंधु बैडमिंटन में, बजरंग पुनिया 65 kg फ्री स्टाइल कुश्ती में एंड भारतीय हॉकी टीम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31वें ओलंपिक खेल 2016 कहां आयोजित हुआ था? आप सबको पता है रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित हुआ था, जिसमें भारत ने ओनली 2 पदक जीता था 2016 में, बैडमिंटन में पीवी सिंधु रजत पदक एंड कुश्ती में साक्षी मलिक कांस्य पदक। नेक्स्ट है, 28वें ओलंपिक खेल 2004 कहाँ पे आयोजित हुआ था? दोस्तों, तो यह एथेंस यूनान में आयोजित हुआ था 2004, जिसमें 2004 में निशानेबाजी में राजवर्धन सिंह राठौर रजत पदक भारत की ओर से जीते थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम ओलंपिक खेल 1896 एथेंस में कितने देशों ने भाग लिया था? तो 14 देशों ने भाग लिया था, तो यहाँ पे दिया ही नहीं है, तो 13 ही यहाँ पे मान लिया जा रहा है। नेक्स्ट है, 28वें ओलंपिक खेल 2004 एथेंस में कितने देशों ने भाग लिया था? तो 201 देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, महिलाओं को ओलंपिक में भाग लेने की अनुमति कब मिली थी? यह क्वेश्चन बार बार आता है, हर जगह आता है, इसे याद रखिएगा, 1900 पेरिस फ्रांस में। नेक्स्ट है, सिर को आगे पीछे दाएं बाएं घुमाना क्या है? तो दोस्तों, आगे पीछे फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट हुआ, दाएं बाएं घुमाना, तो इस प्रकार के जो मूवमेंट्स हैं ये सर्कमडक्शन में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, पिट्यूटरी ग्रंथियों को मुख्यतः निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो दोस्तों, जो पिट्यूटरी ग्रंथि है यानी कि पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, प्रमुख ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि
इसलिए कहा जाता है मास्टर ग्रंथि, क्योंकि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रण करता है। पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं, इसके दो भाग होते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस यानी अग्रपाली, और दूसरा होता है पश्चपाली न्यूरोहाइपोफाइसिस। यह हमारे मस्तिष्क के कपाल की स्पिनाइड हड्डी के टर्सिका नामक गर्त में मक्का या मटर के दाने के समान होता है। 0.5 ग्राम का सबसे छोटी ग्रंथि होती है, एंड इससे अग्रपाली यानी एडिनोहाइपोफाइसिस से 7 हार्मोन्स, और पश्चपाली न्यूरोहाइपोफाइसिस से 2 हार्मोन्स होता है, जिसमें वैसोप्रेसिन जिसे एडिनोहाइपोफाइसिस, एंड दूसरा ऑक्सीटोक्सिन स्थापित होता है, जिसके बारे में मैं डिटेल में बताएंगी, इसका डिटेल में यहाँ पे नहीं बता पाऊंगी, तो यहाँ पे दो भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट दोस्तों, डेल्टॉइड मसल निम्न अंग से संबंधित है। तो डेल्टॉइड मसल कहाँ पे होता है? हमारे कंधे में होता है दोस्तों, ठीक है। कंधे से ऊपरी हिस्से की मांसपेशियों से जुड़ी रहती है डेल्टॉइड मसल्स, और जो हमारे हाथ को ऊपर उठाने में, बाह को ऊपर उठाने में काम आती है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइसेप्स की उत्पत्ति निम्न में से होती है। जो हमारे ऊपरी बाह की ह्यूमरस हड्डी के ऊपर जुड़ी रहती है मांसपेशी, उसे बाइसेप्स मांसपेशी कहते हैं, जो हमारे हाथ को मोड़ने में सहायक होती है। तो बाइसेप्स मसल्स की उत्पत्ति जो है, जो ओरिजिन होता है, वो होता है स्कैपुला हड्डी, स्कैपुला के ऊपरी हिस्से से होता है। स्कैपुला यानी कंधे के स्कैपुला हड्डी के ऊपरी हिस्से से होता है। नेक्स्ट है, ट्राइसेप्स मसल्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है दोस्तों? जैसे कि बाइसेप्स जो ह्यूमरस हड्डी होती है बाह की, उसके ऊपर बाइसेप्स मसल्स होती है, उसके पीछे ट्राइसेप्स मसल होती है। तो ट्राइसेप्स मसल्स की उत्पत्ति जो है, ह्यूमरस हड्डी के ऊपरी भाग पर जो मांसपेशी रहती है उसके पिछले भाग से होता है। नेक्स्ट है, मांसपेशियां निम्न प्रकार की होती हैं, आप सबको पता है 3 प्रकार की होती है, ऐच्छिक, अनैच्छिक और कार्डियक मसल्स, यानी कि ऐच्छिक पेशी यानी कि स्केलेटल मसल्स, या कंकाल पेशियां भी इसको कहते हैं, या रेखित पेशियां भी कहते हैं, और दूसरा होता है अरेखित पेशी, जो इसको स्मूथ मसल्स भी कहते हैं, और अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं, जो हमारे इच्छा अनुसार कार्य नहीं करते हैं, जैसे हमारे अंदर की जो भी आते हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, जितने भी अंग हैं सब अनैच्छिक होती हैं। जो हमारे हाथ पैर की मसल्स होती है वो ऐच्छिक होती है, हमारे इच्छा अनुसार कार्य करती है, और एक कार्डियक मसल्स होता है। नेक्स्ट है, शरीर में जिस जगह 2 या 2 से अधिक हड्डियां आपस में मिलती या जुड़ी रहती हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको ज्वाइंट कहते हैं, जो लिगामेंट्स के द्वारा एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ी रहती है। नेक्स्ट है, शरीर में संवहनीय ऊतक यानी वैस्कुलर टूसी कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, फ्लोएम एंड जाइलम। जो फ्लोएम होता है वो भोजन को समस्त अंगों तक पहुंचाता है, जो जाइलम होता है वो पानी एंड मिनरल्स को पहुंचाता है। ये पौधों में पाया जाता है, विज्ञान का क्वेश्चन है, यदि आएगा 40 क्वेश्चन जीके पूछा जाता है तो आ सकता है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा तनाव की सारी क्रियाओं से उत्पन्न उपलब्धियां हैं जो कि विशेष लक्ष्य को लेकर चुनी हुई है। तो दोस्तों मैं शारीरिक शिक्षा की परिभाषा अर्थ की जो वीडियो है उसमें ऐसे ढंग से मैंने परिभाषा को बताया है कि आप एक बार देखेंगे तो परिभाषा में गलत टिक कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि मैं देखो वहां पे ट्रिक बताया हुआ है मैंने। सारी क्रिया शब्द आते ही आप जेएफ विलियम्स पे चले जाइएगा, ठीक है, एंड भीतरी अनुभव सुनते ही कैसडी पे चले जाइएगा, एंड सारी प्रक्रिया सुनते ही आबरेट यूफर पर चले जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा उन पूर्व तजुर्बे व भावों का जोड़ है जो कि व्यक्ति को बड़ी मांसपेशी की कसरतों में भाग लेकर प्राप्त होते हैं, अतः यह हमारे शरीर वृद्धि और विकास करते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है ब्राउन वेल का। किसका है? ब्राउन वेल का। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा शिक्षा की विधि का अटूट अंग है। जहां पे शारीरिक शिक्षा विशेष अटूट अंग शब्द आ जाए, और इसका उद्देश्य व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक तौर पर योग्यशाली बनाना है। सारी क्रियाओं का चुनाव इसके उद्देश्यों को देखकर किया जाता है। तो यह किसका है दोस्तों? तो ये सब आते ही आप समझ जाइएगा, जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी चीजें हों, वो आपका परिभाषा हो जाएगा चार्ल्स ए बूचर का। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा उन पूर्ण तजुर्बे और भावों का जोड़ है जो कि व्यक्ति की क्रियाओं के द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो प्रक्रिया शब्द आते ही आप चले जाइएगा दोस्तों
आवेट यूफर पर आप भीतरी अनुभव शब्द आते ही आप चले जाइएगा कैसिडी पर। यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया जो मैंने आपको बताया हुआ है। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के भीतरी अनुभवों का कारण के कारण व्यक्ति विशेष में होने वाले परिवर्तन के कुल जोड़ को शारीरिक शिक्षा कहते हैं, कथन किसका है? तो दोस्तों रोजालैंड कैसिडी का है। मैंने आपको बता दिया कि भीतरी अनुभव या शारीरिक प्रक्रिया परिवर्तन जहां पे आएगा वहां पे कैसिडी का होगा। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा और प्रशिक्षण का उद्देश्य है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उत्पन्न करना और उसका संरक्षण करना, निम्न कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है डॉक्टर एम सिद्धलिंगैया का। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, विद्यालय में शारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम कराते समय निम्न बातों पर ध्यान रखना चाहिए। तो विद्यालय में स्वास्थ्य संबंधी तथ्यों पर भी ध्यान देना चाहिए, लिंग भेद पर भी ध्यान देना चाहिए, लिंग विभिन्नताएं और बच्चों की शारीरिक दशाएं क्या है इस पर भी ध्यान देना चाहिए, यानी कि उपरोक्त सभी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्न में से व्यायाम से होने वाला लाभ है? तो दोस्तों हम जब एक्सरसाइज करते हैं, योग प्राणायाम करते हैं, तो हमारे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस में डेवलप होता है, यानी कि आत्मविश्वास में भी वृद्धि होता है, हमारी स्मृति यानी कि जो याददाश्त क्षमता होती है, एकाग्रता क्षमता होती है, ये भी वृद्धि होती है, फिजिकल फिटनेस में भी वृद्धि होती है, एक शरीर शारीरिक अच्छा शेप आता है। ठीक है, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी ऑप्शन राइट होंगे। नेक्स्ट है, शब्द संसाधन यानी वर्ड प्रोसेसिंग परीक्षण है। तो ये जो वर्ड प्रोसेसिंग परीक्षण है यह होता है एक बुद्धि परीक्षण यानी इंटेलिजेंस टेस्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट है, नियतांक प्रतिदर्श यानी कांस्टेंट सैंपलिंग किसके समान होता है? दोस्तों यह आपका सांख्यिकी से थोड़ा क्वेश्चन है, दो तीन क्वेश्चन जो ज्यादा आते नहीं है आपके एग्जाम में, बट यहाँ पे दिया हुआ है तो मैं इसका आंसर दे ही देती हूँ। सैंपलिंग क्या होता है और प्रतिदर्श यानी सैंपलिंग होता है कि किसी मान लीजिए आपके बिहार की पूरी जनसंख्या में लड़के लड़कियों का अनुपात ज्ञात करना है, तो आप क्या करेंगे? पूरे बिहार में जा जा करके तो ढूंढेंगे नहीं, किसी एक क्षेत्र में अनुपात ज्ञात करेंगे, उसी के अनुसार पूरे बिहार का सैंपलिंग निकाल लिया जाता है, तो उसी को सैंपलिंग यानी प्रतिदर्श कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है कि कॉन्स्टेंट सैंपलिंग किसके समान है, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, गुच्छ प्रतिदर्श यानी कि क्लोस्टर सैंपलिंग के समान। नेक्स्ट है, प्रतिदर्श की पर्याप्तता किससे निर्धारित होती है? तो पर्याप्तता यानी कि जो सैंपलिंग होती है एक विशेष क्षेत्र, ठीक है, एक विशेष क्षेत्र का बस लिया जाता है, उसी से अनुमान लगा दिया था, औसत निकाला जाता है, तो समष्टि का आकार से निर्धारित किया जाता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी परिकल्पना एक पुच्छ परीक्षण द्वारा जांची जाती है? तो दोस्तों यह जांची जाती है परीक्षण दुश्चिंता में लड़के और लड़कियों के बीच अंतर को जांचा जाता है। दोस्तों 27 के बाद सीधे 37 क्वेश्चन आ रहा है, जो भी फालतू के क्वेश्चन से आपके कोई किसी काम के नहीं थे उसे मैंने हटा दिया है, आप ये कंफ्यूज मत होइएगा 27 के बाद 37 कैसे आ गया और क्वेश्चन कहाँ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में विभिन्न इवेंट्स जैसी ओवेंस द्वारा चार पदकों की जीत की बराबरी किसने की? तो दोस्तों जो जेसी ओवेंस का जेसी ओवेंस जो है वो 1936 बर्लिन ओलंपिक में चार स्वर्ण पदक जीते थे, 100-200 मीटर दौड़, लंबी कूद और 4x100 मीटर रिले में। अब इन्हीं के बराबरी 1984 में कार्ल लुईस करते हैं इन्हीं चार इवेंट्स 100-200 मीटर दौड़, लंबी कूद और 4x100 मीटर रिले रेस में, तो इनकी बराबरी किया कार्ल लुईस ने। यहाँ कार्ल मार्क्स नहीं होगा, कार्ल लुईस होगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, अटलांटा ओलंपिक ने क्या चिन्हित किया? तो दोस्तों अटलांटा ओलंपिक अमेरिका में जो 1896 में हुआ था, जैसे कि आपका आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में संपन्न हुआ था, और उसके बाद 1896 अटलांटा जो है एक 100 वर्ष पूरा होता है उसकी, तो यहाँ पे हो जाता है जो अटलांटा ओलंपिक है 1996 आधुनिक ओलंपिक की शतवार्षिकी को चिन्हित करता है। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, यह निम्नलिखित में से किसमें शामिल है? दोस्तों यह यूनेस्को के घोषणा पत्र में शामिल है। नेक्स्ट है, प्राचीन ओलंपिक खेलों के में बॉक्सिंग खेल का प्रथम विजेता कौन था? तो प्रथम विजेता प्राचीन ओलंपिक खेल में था बॉक्सिंग का ओनोमास्टोन। कौन था? ओनोमास्टोन।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन क्रेसमर का मिश्रित वर्गीकरण है। दोस्तों बॉडी टाइप में क्रेसमर ने बांटा है चार बॉडी टाइप में, पिकनिक, एथलेटिक, अस्थेनिक, डायस्प्लास्टिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्टोमोर्फिक, मिसोमोर्फिक, एंडोमोर्फिक, ये सेल्डन का है, क्रेसमर का नहीं है। तो ये डायस्प्लास्टिक जो है ये क्रेसमर का मिश्रित वर्गीकरण है, यानी कि डायस्प्लास्टिक जिसमें तीनों का मिश्रण हो, पिकनिक, एथलेटिक, अस्थेनिक। नेक्स्ट, सेल्डन द्वारा किया गया काया प्ररूप वर्गीकरण क्या है। तो सेल्डन ने तीन बॉडी टाइप बांटा है, एंडोमोर्फ, मेसोमोर्फ एंड एक्टोमोर्फ। तीनों की विशेषताएं मैंने डिटेल में बताया हुआ है। एंडोमोर्फ जो होता है वो गोलकाय शरीर होता है। एंडोमोर्फ को गोलकाय या बिस्ट्रोटोनिक के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें शरीर गोल, मटोल, बहुत खाने की प्रवृत्ति, आराम, तलब, विनोद प्रिय होते हैं। और ये जो एंडोमोर्फिक वाले होते हैं, गोलकाय वाले, ये स्ट्रेंथ वाले, जो ताकत वाले खेल होते हैं, जैसे कि पावर लिफ्टिंग, गोला फेंक, तस्तरी, सूमो कुश्ती, इसमें ज़्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन एजिलिटी या स्पीड वाले में, एरोबिक क्षमताओं में ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। दूसरा सेल्डन का है मेसोमोर्फिक, जिसे पेशीय प्रधान, मसल्स प्रधान बॉडी टाइप कहते हैं। सुडोल काय शरीर वाला, जिसे सोमेटोटोनिक भी कहा जाता है, और इसमें अस्थि, पंजर और पेशियां अच्छा मजबूत होती है, मजबूत बॉडी होती है, स्वास्थ्य अच्छा, वजन फुर्तीला होता है। और जो इंसान होता है साहसी, उत्साही, निडर, सशक्त, अधिकारपूर्ण प्रवृत्ति, कठिनाई में अधिक सक्रिय होता है। इस प्रकार के बॉडी टाइप वाले सभी क्रियाओं में अच्छे होते हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी, स्पीड से संबंधित खेलों के लिए अच्छे होते हैं। तीसरा बॉडी टाइप इन्होंने दिया है सेल्डन ने, एक्टोमोर्फिक, जिसे लंबकाय शरीर यानी अस्थि प्रधान संरचना कहते हैं, जिसे सेरिब्रोटोनिक यानी प्रमस्तिष्क प्रधान भी कहा जाता है, यानी ये ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, इसलिए इनकी बॉडी लंबा, दुबला, कमजोर, सुंदर होता है, एकांत प्रिय होते हैं, और सामाजिक, अंतर्मुखी, अपनी भावनाओं को दबा कर रखते हैं, दूसरे की सहायता लेने की अपेक्षा अपनी सीमाओं में रहने का प्रयास करते हैं, यानी कि अंतर्मुखी होते हैं। और ये जो एक्टोमोर्फिक बॉडी वाले, लंबकाय शरीर वाले होते हैं, ये इंड्योरेंस यानी सहनशीलता वाले खेलों तथा जिम्नास्टिक में ज्यादा अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे इनमें से सभी है सेल्डन द्वारा वर्गीकरण। नेक्स्ट दोस्तों, क्वार्सी यूर्कर को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। दोस्तों क्वार्सी यूर्कर एंड मरास्मस दोनों प्रोटीन की कमी से होता है, तो इसको ठीक करने के लिए प्रोटीन ज्यादा मात्रा में हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के शरीर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य मूल्य कितना होता है। दोस्तों तो कोलेस्ट्रॉल का सामान्य मूल्य होता है प्रत्येक 100 ml प्लाज्मा में 60 से 100 mg कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा, इसको पूछ सकता है, 60 से 100 प्रत्येक 100 ml प्लाज्मा में। नेक्स्ट है, एसिटाइल कोलाइन स्नायु कोशिकाओं में, जो एसिटाइल कोलाइन होती है दोस्तों, उसी के आने से जो हमारी मसल्स होती है वह कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो कैसे होती है, मैंने एकदम अनिरो मस्कुलर जो ज्वाइंट होता है उसके बारे में डिटेल में बताया हुआ है थ्योरी सेशन में, एनाटॉमी ऑफ फिजियोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए। तो एसिटाइल कोलाइन जो होता है स्नायु कोशिकाओं में पेशी कोशिकाओं के साथ संपर्क को एक स्थल पर अनुमति प्रदान करता है। तो वह स्थल क्या कहलाता है दोस्तों, यानी कि जो जो हमारा न्यूरॉन होता है, मसल्स होता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है एसिटाइल कोलाइन, जिससे संदेश जो है, जो आवेग होता है मसल्स में आता है और मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो इस दोनों के स्थल को कहा जाता है न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, यानी कि तंत्रिका पेशी संधि स्थान, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वसा की मात्रा निम्न में किसमें काफी होती है। तो दोस्तों जो हमारा वसा होता है एडिपोज टिश्यू में, यानी कि वसा ऊतक में ज्यादा होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन पेशियों की आधारभूत इकाई है। दोस्तों जैसे कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है, उसी तरह पेशियों की इकाई जो है, पेशियां जो है छोटे पतले पतले धागे यानी कि फाइबर्स यानी कि तंतु से बनी होती है, जिसे मायोफाइबर कहा जाता है, जिसके अंदर एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट होती है, जिसके एक्टिन के फिलामेंट के मायोसिन पर खिसकने से, एक्टिन के मायोसिन फिसलने से जो मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेशी तंतुओं में विद्यमान प्रोटीन का क्या नाम है। अभी जस्ट बताई हूँ, एक्टिन और मायोसिन होता है, ठीक है। एक्टिन छड़ों के, मायोसिन छड़ों पर जब फिसलने से पेशियां जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि तंत्रिका ऊतक की आधारभूत इकाई है। दोस्तों जैसे हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है यानी कोशिकाओं से मिलकर बना है, और उसी प्रकार पेशियों की सबसे छोटी इकाई पेशी तंतु यानी मायोफाइब्रिल है, उसी प्रकार हमारी तंत्रिका जो हमारे मस्तिष्क तंत्रिका ऊतक होती है उसकी सबसे छोटी इकाई होती है न्यूरॉन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण यानी कि जो जल जाते हैं उसको ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। दोस्तों तो हमारी मसल्स कोशिकाओं एंड ऊतकों को मरम्मत को घावों को ठीक करने के लिए टूट फूट की मरम्मत करता है प्रोटीन, तो प्रोटीन का आवश्यकता होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा कमेंट में बताइए एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए और डेली बेसिस पे इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।